हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाएंगे जैन पाव भाजी। बहुत सारे जैन फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं जैन पाव भाजी का वीडियो पोस्ट करूं, और ये उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं पोस्ट कर रही हूं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिना प्याज, बिना लहसुन, बिना आलू के ये पाव भाजी हमने बनाई और बहुत कम बटर के अंदर बनाई है। ये पाव भाजी दिखने में जितनी सुंदर दिख रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। आप यकीन मानिए, ये रेसिपी आप एक बार बनाएंगे तो आप अनियन लहसुन वाली भाजी भूल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बटर डाल दिया और परफेक्ट इस भाजी को कलर लाने के लिए एक इंग्रेडिएंट यूज़ किया है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी क्या हमने यूज़ किया है जिससे कि इसका कलर बहुत अच्छा आए। अब सबसे पहला स्टेप हम करेंगे वो ये ड्राई कश्मीरी रेड मिर्चे हैं, इनको हम भिगो देंगे। 10 से 12 मिर्च लेनी है आपको, इसके डंठल निकाल देने हैं और इसके अंदर खोलता हुआ गर्म पानी डाल दें और इसे एक घंटे के लिए ढक्कन लगाकर इसे साइड में रख देना है। तो यहाँ पे मैं ढक्कन लगाकर साइड में रख दूंगी। एक घंटे के बाद आप देखेंगे ये थोड़ी सी फूल जाती है मिर्चें और नरम हो जाती है। तो अब हमें इसे कम तीखा करना है, तो इसके अंदर के जो बीज है वो निकाल देने हैं। तो बीज मैं यहाँ इस तरीके से चम्मच से निकाल लूँगी। ये बीज आप पहले भी निकाल सकते हैं, पर इसको भिगो देते हैं जब हम, तो इसका हल्का सा तीखापन भी आ जाता है जो बहुत ज़रूरी है। ये जो बीज होते हैं ना, वो एसिडिटी भी बहुत करते हैं, तो अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो इन बीज को ज़रूर निकाल दें। और सिर्फ आउटर कवरिंग है मिर्ची का, वो यूज़ करना है। अब मैं इसे ग्राइंडिंग जार में डालती जाऊँगी और इसे हमें फाइन पेस्ट करना है। ये पेस्ट हमारे भाजी को एक बहुत ही अच्छा कलर देगी, एक परफेक्ट भाजी को कलर देगी, जिससे कि जो भाजी है हमारी वो एकदम रेड बनेगी, हल्की सी तीखी भी बनेगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे पेस्ट मैंने रेडी करके रख दी है। अब हम भाजी बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कुकर ले लिया है, जिसके अंदर मैंने छोटा टुकड़ा लौकी का छील कर इस तरीके से चॉप कर दिया है, बड़े बड़े पीसेस में ही। अब यहाँ 4-5 जनों के लिए हम भाजी बना रहे हैं, तो 2 केले ले लें, कच्चे केले लेने हैं हमें, जिसे छील कर इस तरीके से पानी में कट कर दें, जिससे कि केले काले नहीं पड़ते हैं। अब इसे हम कुकर में डाल देंगे और इसी के अंदर हम नमक डालेंगे, केले के जितना ही हमें नमक डालना है। भाजी में हम आगे और करेंगे। अब इसके अंदर पानी डाल के कुकर की लिड लगाकर हम 2 से 3 विसल ले लेंगे। 2 विसल में भी ये केले बहुत अच्छे से पक जाते हैं। अब एक अलग पैन के अंदर हम बटर डालेंगे और उसी के साथ में हम ऑयल डाल देंगे। मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कुकर हो रहा है तब तक हम ये दूसरा प्रोसेस कर देते हैं। तो अब बटर मेल्ट हो जाएगा, तब यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को फाइनली चॉप कर दिया था और उसे हम डाल देंगे। उसे इस तरीके से बटर में पहले सोटे कर लें, इसे थोड़ा 2 मिनट तक आपको चलाते रहना है, जिससे कि शिमला मिर्च जो है वो अच्छे से पक जाएगी। अब इसी के साथ हींग डाल दें 1 चुटकी, इससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा भाजी का। तो यहाँ पे हींग डाल के हम हिला देंगे और हरी मिर्च क्रश की हुई डालेंगे। तो हरी मिर्च मैंने यहाँ 2 ली है। बच्चों के लिए बना रहे हैं भाजी, तो आप तीखापन जो है वो एडजस्ट करें, हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं, लाल मिर्च की पेस्ट भी थोड़ी कम कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने थोड़ी लाल मिर्च भी डाल दी है, 1 टीस्पून के जितनी लाल मिर्च डाली है, इसको भी हम हिला देंगे। लाल मिर्च को इस तरीके से डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब 1/2 कप के जितना बॉइल्ड किए हुए मटर डाले हैं, ये मैंने फ्रेश मटर लिए हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया था, और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी। और इसी के साथ हम अब यहाँ पे 10 से 12 टमाटर फाइनली चॉप किए हुए डालेंगे। फ्रेंड्स, ये भाजी मैं 4 से 5 जनों जितनी बना रही हूँ, तो उसके लिए 10 से 12 मीडियम साइज़ के टमाटर जो हैं वो इनफ हो जाते हैं।
अब इस तरीके से हम इसे हिला देंगे और टमाटर डालने के तुरंत बाद ही हम नमक डालेंगे। नमक डालने से टमाटर जो है वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो जब भी आप टमाटर डालें तो उसके साथ ही उसके ऊपर नमक डाल दें, तो जिससे ये जल्दी गल जाएंगे। अब एक बार हम इसको स्टर कर लेंगे इस तरीके से, और फिर इसे ढक्कन लगाकर 7 से 8 मिनट आपको कुक करना है, जिससे कि ये टमाटर नरम हो जाए, हम आसानी से उसे मैश कर सकें। तो अब यहाँ हमने पाव भाजी मैशर ले लिया है, जिससे इस तरीके से हम भाजी को मैश कर देंगे। मैशर से इस तरीके से मैश करें कि मटर और टमाटर दोनों एक सार हो जाए। अब यहाँ हमारा कुकर भी रेडी है, तो कुकर का प्रेशर रिलीज़ करके हम खोल देंगे। आप देख सकते हैं केले बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गए हैं। ये भाजी में केले डालने से बिल्कुल नहीं लगता है कि हमने केले डाले हैं, केले का बिल्कुल स्वाद नहीं आता है। अब इस तरीके से पाव भाजी मैशर से ही हम मैश कर देंगे केले को। ये जब गर्म रहते हैं तभी आप इसे मैश कर दें, तो ये बहुत अच्छे से और इजीली मैश हो जाते हैं। अब हम यहाँ भाजी का मसाला डाल देंगे, पाव भाजी का मसाला। ये मैं मेरे घर का बना हुआ मसाला डाल रही हूँ, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। बहुत ही अच्छा बना था मसाला, आप बना के स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसी के साथ हमने जो रेड चिली की पेस्ट बनाई थी वो डाल देंगे, इससे भाजी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। ये पेस्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो केले मैश किए थे वो डाल देंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल केले जैसा नहीं लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है जैसे हमने आलू बॉईल करके डाले हैं। तो इसका टेस्ट अमेजिंग आता है इस भाजी का, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई कर रहे हैं कैसी लगी रेसिपी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर से एक बार मैशर से, और इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। हमेशा जब भी आपको कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी हो तो उसके अंदर गर्म पानी डालें। तो गर्म पानी डालने से क्या होगा कि भाजी का टेक्सचर जो है वो सेम ही रहता है। अब यहाँ पे हम फिर से मैशर चला देंगे एक बार, और इस तरीके से स्पैटुला से मिक्स कर देंगे। तो आप इसे गाढ़ी पतली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये देखिए अब इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। इसे हमें ज़्यादा नहीं बॉईल करना है, बस 2-3 मिनट बॉईल करना है और फिर हम आंच को बंद कर देंगे। बॉईल आ गया है, इसी के साथ हम बटर डाल देंगे। 1 टीस्पून बटर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ धनिया फाइनली कट किया हुआ डाल देंगे, और बटर और धनिए को बहुत ही अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देना है। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में बटर 2 टीस्पून ही डाला था कि 1 टीस्पून हम लास्ट में ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम सर्व कर देंगे भाजी को सर्विंग प्लेट के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये भाजी का टेक्सचर कितना अच्छा आया है, एकदम मार्केट जैसी आपको लगेगी स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी बनी है। तो यहाँ पे ये जैन पाव भाजी आप ज़रूर ट्राई करें। इसी के साथ अब मैं पाव सर्व कर दूंगी, ककड़ी टमाटर सर्व करेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ती और जो लाल मिर्च की पेस्ट थी वो डाल देंगे, नींबू रख देंगे और इसे सर्व करेंगे। थोड़ा सा बटर डालेंगे जिससे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स एंजॉय करें जैन पाव भाजी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास ही बेल आइकन का बटन है, उसे क्लिक करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत ही मिले। मिलती हूँ ऐसी ही कुछ हेल्दी न्यू रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।